अभी दोस्तों जा रहा हूँ उस गांव में जहाँ पे भालू ने वो अटैक किया था, जब वो छत के पत्थर हटा के घुसता था और जानवरों को मारता था। तो बहुत सारे गांव हैं जिन गांव में उसने वो वारदात की थी। तो एक गांव में आज जा रहा हूँ मैं, ये है, अपने रिजॉर्ट से चला हूँ, पहले पैदल जाऊँगा गाड़ी तक। ये है नज़ारा, नदी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, और वो है सामने मणिकूट पर्वत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अरे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ कौन सी क्लास में हो तुम लोग? सारे एक ही क्लास में हो? अलग अलग हो? एक ही गांव के हो? एक तुम्हारी फ्रेंड को पीछे क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने? एक छोटी सी बच्ची पीछे आ रही है। हाँ बताओ, और कोई बघेरा ले जाएगा उसका? तो वो ज्यादा पीछे नहीं है, मैं ला दूं उसको। हाँ। तुम लोग गिनती गिन के नहीं आते हो? नहीं। गिनना चाहिए ना? क्यों नहीं गिनना चाहिए जब चलते हो? कोई इतनी छोटी सी बच्ची है, वही मैं सोच रहा था क्या चक्कर है। यही पे वैसे तो आने वाली है। आ गई वो, देखो आ रही है। वो बेचारी घबरा कर चल रही थी, पता है? बघेरा देखा तुम लोगों ने? बघेरा देखा है? इतने सारे बच्चे कैसे बैठोगे? बैठ जाएंगे। हाँ बैठो, छाता बंद कर लो, छाता बंद कर लो, खोलो खोलो। कौन सी बच्ची रह गई थी पीछे बताओ? आओ अंदर आओ, कैसे रह गई तुम पीछे? साइड बता दो सर, आ देखो बता दो, बोल आ गए तो। कुछ बच्चे उधर आ जाओ, सुनो उधर आओ। अरे बच्चों उधर आ जाओ, उधर उधर से आओ, आगे से आओ, जाओ उधर, तुम इधर आओ, इधर से। अच्छा चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। अरे इधर सारे चढ़े, उधर उधर भी देख के ऊपर एक बैठो। वो लड़कियों को दबा दिया, तुम भी तो आगे पीछे, एक बच्चा आगे सर को, एक पीछे सर को। हाँ दरवाजा बंद करो, उंगली बचा के, उंगली ना दब जाए किसी की। ओ देखो नहीं बंद हुआ बेटा, नहीं हुआ, गिर जाओगे, फिर से बंद करो। हाँ अब तुम छूट गई थी, तुम छूट गई थी पीछे, हाँ? कैसे छूट गई थी बताओ? अकेली क्यों आ रही थी? चुप सारे बच्चे चुप, अकेली की छोड़ के, कौन छोड़ के बताओ, डांटता हूँ मैं। क्यों क्यों, कौन जीविका है? कौन है जीविका? क्यों तुम इतनी बड़ी क्यों छोड़ गए उसको? अच्छा एक चीज बताओ, अगर बघेरा ले जाता तुम्हारी सहेली को, तुमको अच्छा लगता? देखो रो रही है, तो तुमको डर लग रहा था? अकेले आ रही थी, डर लग रहा था? नहीं लग रहा था? बच्चे कौन सी क्लास में हो तुम? फर्स्ट में। और जीविका कौन सी क्लास में? फोर्थ में। अब आगे से छोड़ोगी? मैं तुमको छोड़ दूं यहीं पे? सॉरी बोलो उसको, देखो सॉरी बोल दिया उसने, हंसो, सॉरी बोल दिया, ठीक है? बोले दांत दिखा दो। तुम तो खरगोश की तरह दांत दिखा रही हो भाई। दरवाजा खुला यार, कोई देखो, देखो बच्चा गिरने वाला, देखो दरवाजा बंद करो। अरे बुद्धू तुम्हारे, हाँ कौन से गांव में रहते तुम लोग? जुलेड़ी। जुलेड़ी तो सबसे आखिरी में है ना, सड़क के किनारे है ना? सारे बच्चे वहीं के हो? अब आगे से इसको छोड़ोगे तो नहीं है? नहीं नहीं। और जीविका से मैंने पूछा कहाँ है, तो कह रही वो रह गई। इसको मालूम था कि वो छूट गई है? नहीं था। है? नहीं मालूम था। तुम लोगों ने बघेरा देखा है कहीं, बाघ देखा है? अगर अकेले बच्चे को छोड़ के जाओगे तो बाघ नहीं ले जाएगा उसको? अगर आएगा तो फिर जाएगा भी तो? हाँ तो आगे से ऐसी गलती मत करना, मजाक कैसे भी करो
ऐसा मजाक मत करो जो किसी बच्चे को नुकसान हो जाए, समझे? चलो बाय करो, सारे बाय करो, बाय, थैंक यू बोलो। हाँ कल भी आएंगे, कल भी आएंगे, ठीक है? उसको छोड़ोगी तो नहीं? ठीक है, बन गए। हाँ कल भी आएंगे, ठीक है, बाय। ये दोस्तों जो पहाड़ दिख रहा है इसके ऊपर वो गांव है जहां पर भालू ने लास्ट ईयर अटैक किया था। दो भालू थे और उन्होंने जानवर मार दिए थे। उस गांव के बच्चे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आप लोग का? आपका नाम क्या है? आर्यन सिंह। आर्यन सिंह, आर्यन सिंह। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th। तुम? मोहित। मोहित चंद्र। मोहित चंद्रा, 11th। तुम? आशीष सिंह। आशीष सिंह, तुम कौन से गांव के हो? पोखरी। पोखरी, तुम्हारे गांव में नहीं हुई वारदात? तुम्हारे गांव का नाम क्या है? हमारे गांव का नाम है पोखरी, पोखरी। अच्छा, एक ही गांव है? नहीं, भालू वाला क्या हुआ था? तो उसने शायद रात को आए थे उस टाइम, तो उन्होंने जानवर थे लोगों के गौशाले थे उधर, तो उधर उसने हमला किया था। तो कैसे घुसे थे वो? दरवाजा तोड़ के, छत छत से ऊपर पटाल निकाल, पटाल निकाल के, पटाल निकाल के घुसे। हाँ, और पटाल निकाले तब अंदर घुसे। हाँ, और तुम लोग को कैसे मालूम गाय चिल्लाई, क्या हुआ, कैसे मालूम? हमने तो सुबह देखा, चला पता कि सुबह जब गाय में गाय गाड़ने गए ना बाहर, तब देखा। अच्छा, तो खा रखा था? हाँ, आधा खा रखा था। अच्छा, और भालू देखे थे तुमने? वो तुमने दूसरे दिन देखे थे। अच्छा, हाँ दूसरे दिन देखे थे। कितने भालू थे? दो थे, बड़े छोटे? बड़े, काफी बड़े बड़े थे। तो मतलब दोबारा फिर चक्कर में आए थे वो? उनको ही खाने आए थे शायद वो, तो हमने गांव वालों ने बोला था कि उनको देखेंगे कि आते हैं कि नहीं आते। हाँ, तो उस टाइम हम गए थे और वो हमको देख ही गए थे नीचे। अच्छा, ऊपर ही आ रहे थे। हाँ, हल्ला वगैरह किया तो चले गए थे वहाँ से। चले गए थे जी, फिर दोबारा नहीं आए? नहीं आए उसके बाद। ठीक है दोस्तों, ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी, पहाड़ के ऊपर जाना है। आजकल रोज पहाड़ी चढ़ने पड़ रहे हैं। तो ये जो जगह है इसका एल्टीट्यूड का अंदाजा इन बच्चों को नहीं है, लेकिन ये जो पाइन के ट्रीज है ये जनरली 5000 फीट अबव सी लेवल मिलते हैं, और यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है पाइन ट्रीज की। इसका मतलब हम 5000 के आसपास हैं एल्टीट्यूड, और हमें इस पहाड़ के ऊपर जाना है। देखते हैं कब पहुँचते हैं। अब देखिए दोस्तों, रोड कितने नीचे दिख रही है, ऊपर आ चुके हैं। कितनी दूर है अभी? सामने ही। तो ऐसे जंगल वाले रास्ते जाना है। ये लोग बता रहे हैं कि जब भालू ने लास्ट ईयर अटैक किया छत तोड़ के, तो जो जिनकी गाय थी उन्होंने ना तो उसको रिपेयर कराया और उन्होंने गाय पालनी बंद कर दी। और ये रीसेंट अटैक है, लास्ट ईयर का ही है, जबकि मैंने आपको बताया था 7 साल से अटैक कर रहा है। मैंने सुना था एक है, आज मुझे मालूम चला कि दो है। इन लोगों ने दो बड़े बड़े भालू देखे। अब देखो हमारा बंदा भी थक गया है, मैं नहीं थका, ये थक के पानी पी रहा है, सिर झुका के बैठा है। तो पानी पीना पड़ता है। कहाँ भाई? मंदिर। मंदिर, चलो आगे। पहाड़ की एकदम चोटी पे आ गए। ये है दोस्तों, तो ये जो प्लास्टिक वगैरह पड़ी है तो बाद में डाली होगी, ये क्या है? अच्छा, तो जानवर अंदर थे कि यहाँ थे? अंदर थे। ये दोस्तों जो सामान पड़ा है ये भी छत पे ही था, अभी कुछ और पड़ा हुआ है। ऊपर से देखूंगे, अंदर से ऊपर दिखाते हैं, अंदर झाड़ियाँ बहुत है। अंदर नाजा 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 अन्ना बैठा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो लकड़ी है इसकी पटाल थी,
इसको तोड़ के भालू अंदर घुसा और गाय वगैरह खा गया था, क्योंकि ये गांव से दूर है। यहाँ एक ऊपर मंदिर बना हुआ है, गांव नीचे ही है। वो आपको गाय की आवाज आ रही होगी या वो कुछ खेत दिख रहे हैं। आइसोलेटेड एरिया में थी ये पशुशाला, तो यहाँ घुसा, मेरे ख्याल से यहीं से गया होगा। हाँ, तोड़ के अंदर खाए, वैसे ही वहां से निकल गया। सुबह जब घर, सुबह मालूम चला क्या उनको, है सुबह जब वो आए देखा तो यहाँ तो नजारा ही कुछ और था। तो गाय को उन्होंने दफना दिया था, क्या किया था कि जलाया था? दफना दिया था। तो गाय को उन लोगों ने गाड़ दिया। उसके बाद गांव वालों ने क्या बोला कि वो इंतजार करते हैं दोबारा आएगा। तो तुम लोग कहाँ इंतजार कर रहे थे? वहाँ पे, वो वहां जहाँ खंबा है, रास्ते ना वहां से। हाँ हाँ, तो वहां से आ रहे थे, तो स्टार्ट दिखे थे हमको, यहाँ दिखे थे आते हुए जाते हुए, नीचे आते हुए आते हुए। फिर तुम लोगों ने चिल्लाया? हाँ, तब उसको हमने पत्थर वगैरह मारे, तो उसके बाद वो नीचे को चले गए थे। हाँ हाँ, तो दोबारा देखिए भालू इस रास्ते से, मैं दिखाता हूँ। पहले मैं एक बार ये दिखा दूँ क्लियर आपको कि आधी लकड़ी की अभी बाकी, क्योंकि इसको रिपेयर कराया ही नहीं, कि जो ओनर थे उन्हें मालूम था कि जब भालू आने लगा है दोबारा भी आएगा, तो उन्होंने गाय पालना ही बंद कर दिया। और इन भालू की यही आदत है दोस्तों, ये छत तोड़ के घुसते हैं। 7 साल से जो ये वारदात है, जहां जहां करीब 10-15 गाँव में इन्होंने वारदात करी है, छत को तोड़ के घुसते हैं, दरवाजे तोड़ के नहीं घुसते। तो एक जगह मैंने आपको दिखाई दी, अब अंदर जाके मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं, पूरे में झाड़ियां हैं 1 साल से ऐसे ही। तो जिस तरह से प्लास्टिक पड़ी हुई ऊपर, ये सारे में पड़ी थी, तो उस दिन ये भालू ने ही फेंकी होंगी या जो भी हो, बाद में ओनर ने फेंकी हो, तो ये सब प्लास्टिक उस दिन से ही है। ये सारा जो इसके ऊपर था यहीं पड़ा हुआ है। और ये कब की घटना, कौन से महीने की घटना होगी? पता नहीं, इतनी पता। अच्छा, 1 साल मतलब सर्दियों की बात है। स्वेटर पहना तुमने? हाँ, तो दोस्तों ये वारदात सर्दियों में ही करते हैं भालू। लेकिन अभी जब मैंने वीडियो डाला था, तो किसी ने कमेंट लिखा था कि इस बार बारिश में भी वारदात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जानता है। और देखिए यहाँ से वो मेरी गाड़ी दिख रही, बहुत नीचे देखो आप, इतने ऊपर आ चुके हैं, अब वापस भी जाना है। ये सब क्या है, ये पत्थर जो है? अच्छा, जिनकी ये गौशाला है उन्हीं ने, तो अब तक से मकान भी नहीं बनाया? अच्छा, तो देखिए भालू आने लगा तो फिर उन्होंने मकान भी नहीं बनाया। कीड़े वाले कीड़े वाली मतलब रेशम बनाते हैं। अच्छा, रेशम के कीड़े। अच्छा, तो ये रेशम पालन से बहुत शहतूत के पेड़ वगैरह लगाए होंगे। ये जो ट्रे है दोस्तों, ये रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, रेशम का वो कुछ बनाना चाह रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया। सर्दियों से मतलब 1 साल नहीं हुआ इस बात को। अच्छा, इधर से ऊपर से आ रहे थे हम, अचानक इधर से आ रहे थे। तो हमने देखा था, तो हमने यहाँ तक नीचे गया, कुछ आगे गए। हाँ, तो पत्थर मार के उनको नीचे आया। हाँ, कुछ आवाज निकाल रहे थे? नहीं, आवाज तो नहीं निकाली। नहीं निकाली। और तुम लोग यहाँ थे? हाँ, यहीं से आ रहे थे, हम भी नीचे को आ रहे थे और ऊपर को। अच्छा, वो आ रहे थे। उसके बाद जब तुम लोग 1 महीने तक आते रहे, तो भालू नहीं दिखे थे दोबारा? उसके बाद हम दूसरे के भी गाय वगैरह। हाँ, तो हम डेली चक्कर मारते थे। अच्छा, तो दोस्तों ये देखिए, ये जो मैं भालू की सीरीज कर रहा हूँ, तो मैंने पहला गांव कवर, इस गांव का नाम क्या है? पोखरी। ये देखो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये अमेरिका से आया है। दोनों लोग शेयर करना जब रास्ते में आते हो ना, जंगल के रास्ते में। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं पीके टिक्कू जी, उन्होंने भेजा है। इसमें एक तो ये टॉर्च है, ये दिखने में छोटी है, कल रात को मैं इसी के सहारे पहुंचा हूं। अच्छी खासी, जितनी बड़ी टॉर्च वोशी मरती ना, वो मरती है। और इस रस्सी को खींचो जरा, इसको बाहर खींचो। ये इसलिए है कि जैसे कोई झाड़ी में घुसने जा रहे हो ना, पहले इसको खोल दो फिर घुसो, ठीक है? अच्छा। तो दोनों लोग साथ ही चलते हो ना, दोनों काम आएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू। वो डरा ना? हाँ, तो सारे जानवर डरेंगे। लेपर्ड भी बेचारा ही होता है भैया। ये देखिए दोस्तों, गांव ये है पोखरी, और गांव से काफी आगे इधर जाके वो पशुशाला थी, इसलिए भालू ने उसको चुना। अगर यहाँ पे होती वो पशुशाला, या जैसे कुछ घरों की यहाँ पे होगी, तो वहां पे अटैक करने नहीं आता। और यहाँ का नजारा ये है,
ये हमारे थके हुए हरिमोहन जी, और मैं बिना बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ, मैं एकदम फ्रेश हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो पहाड़ है ना टॉप, वहां से लौटे हम, जो भालू ने वो जो गौशाला उजाड़ी थी एकदम टॉप पे थी। ये देखिए दोस्तों, एक गांव और है, ये सब पटाल के बने हुए घर हैं। पटाल मतलब जो पत्थर रखे जाते हैं, इन्हीं को भालू हटाता है और अंदर घुस जाता है। जिस गांव में मैं आया हूँ यहाँ पर भी बताया गया था, लेकिन अभी वो मुझे गौशाला मिल नहीं पा रही है, और पहाड़ के ऊपर बता रहे हैं वो मेरी अभी फ़िलहाल चढ़ने की हिम्मत नहीं है। दो दिन से चढ़ रहा हूँ, दोबारा फिर आऊँगा, लेकिन गांव सुंदर है। ज़्यादातर सारे घर पटाल गए हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और ये नदी जो हमारे यहाँ नदी जाती है वही वाली है ये, जबकि अभी हम करीब 25 किलोमीटर दूर है अपने रिजॉर्ट से। ब्यूटी देखिए आप, ये सामने ये है रोड, देखिए रोड पे वैली ऑफ फ्लावर्स, चारों तरफ जंगली फूल लगे हैं ऑरेंज कलर के, ये देखिए, लेकिन बड़े बीच बीच में लाल भी है, चारों तरफ फूल ही फूल है। देखिए दोस्तों, सूरज कितना सुंदर लग रहा है, एकदम पहाड़ के पीछे छिपने जा रहा है, हालांकि ये सूरज नहीं है, उसका प्रतिबिंब है। ये बंदरों की मीटिंग चल रही है। क्या हुआ भाई, क्या मीटिंग चल रही है? अरे क्या बता दो तो? दोस्तों यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की, बहुत सुंदर जगह है, कैंपिंग करने लायक जगह है, लेकिन ये है कि यहाँ लेपर्ड बहुत है, बड़ा वाला लेपर्ड भी है। और अभी गाड़ी रोक के मैं देख रहा था तो काकड़ की आवाज़ आ रही, यानी बार्किंग इंडिया की, सुनिए। यही ना आवाज, ये टाइम है जब लेपर्ड निकल जाता है। इस साइड से बोल रहा है। तो दोस्तों पहुंच गए अपने जंगली रिजॉर्ट के पास में, अभी एक उल्लू बोल रहा है यहाँ पे, बाकी शाम होने वाली, सन्नाटा है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम। सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, इन्होंने गाड़ी पहचान ली थी। क्या शुभ नाम है आपका? कृष्णा उनियाल जी। हाँ, कहाँ रहते हो आप? मैं ऋषिकेश सर। अच्छा अच्छा, तो अभी कहाँ जा रहे थे? मैं सर अभी जा रहा हूँ वहाँ पे गरुड़ चट्टी की। अच्छा, गरुड़ चट्टी की। फिर लक्ष्मण झूला जाना उसके बाद। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या गाड़ी देख ली थी? यस सर, पहचान ली मैंने सर, नंबर मुझे पता है, मैंने देखा है ना सर आपका, और आपको मैंने पहचान लिया, मैंने चश्मा पहचाना सर मैंने। अच्छा अच्छा, फिर मैंने सर बाइक मोड़ी, देन मैं आपके पीछे आया, फिर आपने साइड दी कि आगे चल जाओ। अब मैं आपको मैं बोलूं, आपका शीशा ऊपर था सर, फिर आपने देखा, मैं नहीं गाने सुनते हुए जा रहा था ना, तो मैं सुन नहीं, समझ नहीं पाया। हां जी सर, तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया लगा मुझे मिलकर आपसे।